ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था महामोहिनी यंत्र पर, तो बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरु जी वो जो इमेज है वो क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक वेबसाइट पर sirstop.com पर। वहाँ जाकर आपको एक क्लियर इमेज मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए और वैसा ही आप बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो मैं वहां पर आपको भेज दूंगा। अब बहुत सी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जिनमें कि बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं सिर्फ इतना आसान सा काम करने में भी। और एक मेरे पास रिक्वेस्ट आज कैनेडा से आई कि गुरु जी यहाँ पर जो है अनार के पेड़ नहीं होते, पीपल के पेड़ नहीं होते, तो कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल आतिश यंत्र बनाना सिखाऊंगा। यंत्रों के भी प्रकार होते हैं, तो आतिश यंत्र उसे कहते हैं जिससे कि आप जला सकें। अगर ये यंत्र आप प्रतिदिन अपने साथी के घर की तरफ मुंह करके जलाते हैं तो देखते ही देखते वो आपके प्यार में इतना व्याकुल हो जाएगा कि उसे भूख प्यास भी लगना बंद हो जाएगा और बस आपके ही बारे में सोचेगा। अगर ऐसा चाहते हैं आप तो इस यंत्र को बनाइए और जैतून के तेल में या सरसों के तेल में, ये दो तेल हैं इनमें कीजिएगा, या फिर चमेली के तेल में, इसमें आपको इसको जलाना है। इस यंत्र को जलाना है इन तेल में और रोज जब शाम का समय हो, जब संध्या काल हो और अंधकार की तरफ जब दिन जा रहा हो उस समय ये करना है। इसको करते समय आपको जो भी विचार आपके मन में आए वो अच्छा होना चाहिए कि इससे आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यंत्र आपके सामने है, इसको बनाइएगा अनार की कलम से और रोली या फिर किसी भी स्याही से आप बना सकते हैं, बस स्याही जो है काली ना हो। लाल रंग इसमें शुभ रहेगा और इसको आप रोज़ प्रतिदिन 7 दिन तक कीजिए, इसको जलाइए, तो जो भी आपकी इच्छित व्यक्ति होगा, जो भी इच्छित नारी होगी, वो आपके प्रति उसका आकर्षण बहुत ही प्रबल हो जाएगा। ऐसा कीजिए और मुझे बताइएगा कि इसने कितनी जल्दी आपके लिए काम किया। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉल कीजिएगा 9982816625। थैंक यू।